सरकार ने मनरेगा कानून के तहत एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार देना सुनिश्चित किया है, परंतु वहीं भदोही जिला के पकरी खुर्द गांव में रेशमा सहित 200 लोगों को एक वर्ष से काम न मिलने से काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग जवन बा गरीब है, कनी खोदी बनी मजूरी करके खाद जिया थे, खेती बाड़ी तो बा नहीं, काम करे चाहत है, जब नहीं मिलत हम लोग तो नहीं करे। अगर हमारे लोग के काम मिल जाता तो हम लोग काम धंधा करेगा, अपन कई के अपन कैसे खाए जिए। क्या चीज का प्रधान लिखित मांगते हैं? वही जैसे कि 70 घन फुट माटी हम लोग नहीं खन सकते है, प्रधान तो प्रधान कहते हैं खाना खाना कोई खाना नहीं जा और नहीं लिखत दा कि न खाना कभो, तो हम लोग नहीं लिखत दिया। अगर आपको काम मिल जाएगा तो आपको क्या फायदा होगा? फायदा होगा ये है कि लड़का बच्चा पढ़ाऊ लिखाऊ खर्ची पाती लेब खियाऊ। हमारे पास तो बहुत समस्या बा, हम तो लंगड़ लूज हो गए, डोला न सकत है, न दवाई पैसा जाता था न कुछ हटा था। कैसे खर्च चलता है? खर्च का चला था, नान नान लड़का आन किसी तरह अपन चलावत हैं बेचारे, का करिए ऐसे परेशान है जौन भाई, काम चाहता है काम मिलते ही नहीं बा। आप मनरेगा में काम करती हैं? हाँ काम करत रहे, 1.5 साल से काम नहीं मिला था। आपने इसके लिए कोई प्रयास किया? हाँ प्रयास किया, ठेकेदार के लगे जात जाए तो कहा था भाई काम है नहीं बत का किया जाए, कहाँ से दिया जाए, 70 घन फीट मानगा थे हम सब जौन बा दे नहीं खाना नहीं सकत है तो का करी उतना, कहा था लिखित दे दा, लिखित नहीं हम सब देते है, ये हमारे सबन के रोजी रोटी बा, कौन पढ़ाई हम सब करे कि जाइए नौकरी करी। मैं चाहती हूँ कि इन सभी मजदूरों को मनरेगा में काम मिले जिससे इनकी समस्या दूर हो सके। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करना चाहती हूँ कि इन मजदूरों को काम मिले, इसके लिए आप ज्ञानपुर ब्लॉक के वीडियो जिनका मोबाइल नंबर है 94-54-46-51-28 पर दबाव डालकर आप हमारी मदद करें। मैं केसा देवी, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।